हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं ई क्लासेस। आज से हमारा ई क्लासेस स्टार्ट हो गया है। ये क्लास 8th क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मेरा टॉपिक है और एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू नो अबाउट व्हाट इज क्रॉप्स, यानी फसल क्या है। फसल यानी क्रॉप्स, जब हम कहीं किसी फील्ड में किसी एरिया में एक ही तरह के प्लांट्स को बहुत लार्ज एरिया में बोया हुआ देखें उसको हम फसल कह सकते हैं। फसल के अंतर्गत सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं। इन फसलों में जैसा कि आपको पता ही है, ऑल प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये अपना ये भोजन यानी जो सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड, ये ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और यही ग्लूकोज आगे चल के इनके फ्रूट्स हो जाते हैं। हालांकि हम लोग इनके फ्रूट्स ही नहीं, प्लांट्स के ऑल बॉडी पार्ट्स को खाते हैं। हाँ, ये अलग है कि हम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब कि जो हम फसल बोते हैं उसे, जैसा कि आपको पता ही है, एनवायरमेंटल कंडीशन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एनवायरमेंटल कंडीशन यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसके वजह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है। तो अगर हम सीजन को देखते हुए फसल को ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड करें तो उनमें से दो सेक्शन हमारे, यानी दो क्रॉप्स, दो टाइप के क्रॉप्स डिवाइड होके आते हैं। पहला होता है रबी क्रॉप्स और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप्स। चलिए जानते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या है। देखो बच्चों, खरीफ क्रॉप्स एक ऐसी क्रॉप्स है जिसे हम रेनी सीजन में यानी मानसून सीजन में बोते हैं और फिर ठंडी के स्टार्टिंग में यानी विंटर सीजन जैसे ही आता है उसी समय काट लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जून जुलाई में हम अपने खरीफ क्रॉप्स को बो करके अक्टूबर नवंबर तक में काट लेते हैं और उसका प्रोडक्शन जो होता है वो यूज करते हैं। इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पैडी यानी इसमें धान आती है, इसके अलावा कुछ और है जैसे ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन, ठीक है, पैडी यानी राइस, मेज भी है, मक्का, ये कुछ एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स के। सेकंड नंबर पे जो मेरा ब्रॉड सेक्शन है वो है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स इसका मतलब ये है कि ऐसी फसल जो कि विंटर सीजन में बोई जाती है, यानी कि नवंबर में बोई जाए और आगे चल करके फरवरी मार्च में काट ली जाती है, ऐसे फसल को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो व्हीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी, मटर और मस्टर्ड, सरसों आते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स हैं, इनमें से कुछ ये एग्जांपल्स हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मेरे टॉपिक का सेकेंड पॉइंट है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल के उत्पादन करने में यानी प्रोडक्शन करने में कुछ हमारे सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम सीरियल वाइज सीरियल स्टडी करते रहेंगे। और सबसे पहले हम सबके नाम जान लेते हैं कि कोई भी फसल बोने से पहले सबसे नंबर एक पे हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉयल करना होता है, यानी मिट्टी को बनाना होता है, तैयार करना होता है फसल बोने के लिए। सेकेंड नंबर पे सोइंग यानी फसल बोया जाता है। थर्ड नंबर पे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर और मैन्योर यानी खाद हम बोते हैं, खाद हम अपने फसल में या तो फसल के साथ ही या फसल बोने के बाद डालते हैं, ये होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड नंबर पे ये हो गया। फोर्थ नंबर पे इरिगेशन यानी सिंचाई, फसल को सिंचाई भी करेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हमारे फसल में आ जाते हैं यानी कि घास या चारा, वेट्स जिसको बोलते हैं।
ये अनवांटेड प्लांट को हमें निकालना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे फसल के प्रोडक्शन में ये कमी कर देते हैं, हानि करते हैं, हार्म होते हैं। और लास्ट में फिर हार्वेस्टिंग करना होता है, यानी फसल को काटते हैं, साफ सफाई करते हैं और फिर सबसे लास्ट में स्टोरेज होता है। फसल को काटने के बाद उसे स्टोरेज करते हैं, आगे हम उसका यूज करते हैं, कुछ मार्केट बेच देते हैं। तो ये होता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में। फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक साइंटिफिकली सोच सकते हैं कि जिस मिट्टी में हमें कोई भी फसल बोना है तो उसे सबसे पहले हम उस मिट्टी को लूज करेंगे जिससे हमारी फसल बोई जाए। फसल बोई जाएगी, उसके रूट इंटरनल मिट्टी में जाएंगे। सो उसके लिए हमें पूरी उस मिट्टी को गीलापन बनाए रखना पड़ेगा, नमी रखनी पड़ेगी। और साथ ही वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरियास, जो कि हमारे फसल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी फसल को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ मिनरल्स वगैरह भी चाहिए, जो कि मिट्टी से ही मिलती हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम प्रिपरेशन ऑफ सॉयल से करते हैं। और ये पूरी प्रोसेस को, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है, यानी प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल, इस कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग, यानी खेत का जोतना कहा जाता है। और ये एक प्लाऊ यानी हल से किया जाता है, और ये मिट्टी को पलटता है और पलट के मिट्टी को लूज बनाता है। इससे हमारे आगे की प्रोसेस होती है। तो चलिए जानते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल एम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल एम्प्लीमेंट्स मतलब कुछ टूल्स जो हमारे एग्रीकल्चर को बोने के लिए हेल्प करते हैं। टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम 3 मेजर टूल्स जाने जो कि कुछ पुराने समय से यूज होता आ रहा है और कुछ मॉडर्न हो गया है। सबसे पहले पुराना वाला हल। हल एक ऐसा, हल यानी प्लाउ, एक ऐसा टूल है जो इसमें दो बैल की साथ लगा के लकड़ी और कुछ लोहे के पार्ट इसमें जोड़ करके बनाया जाता है। हल हमारे बहुत पुराने किसान यूज करते आ रहे हैं। और हल में, जैसा कि आपको पता ही है, कि दो बैल लगते हैं और मिट्टी को लूज किया जाता है। सेकेंड नंबर पे हो। हो एक टूल्स है जो हल की तरह ही है, लेकिन मॉडर्न टेक्निक से बनाया गया है। एंड थर्ड नंबर पे होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के साथ लगाया जाता है। कल्टीवेटर ये इसमें 3 आयरन के बनाए जा सकते हैं, यानी नुकीले आयरन के रॉड लगाए जाते हैं, या फिर 7, 9, ये अलग अलग तरह के हैं। और इससे मिट्टी को, कड़ी मिट्टी को, जो सॉलिड मिट्टी है, उसको हम लूज करते हैं, हमारे किसान लूज करते हैं। और इस तरह से प्रोसेस आगे हमारे टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट आता है शोइंग, यानी बोना, फसल बोना। तो सोइंग में, यानी फसल बोने के लिए, हमें सबसे पहले सीड का, यानी हेल्दी एंड गुड सीड का चुनाव करना होता है, यानी सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए हमें सबसे पहले गुड क्वालिटी के सीड्स, सबसे नॉर्मल जो बेसिक हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके तहत अगर देखा जाए, जैसे गेहूं है, धान है, तो उसको हम पानी में डाल देते हैं। उससे जो पानी के ऊपर आ जाता है वो मान के चलो कि सही नहीं है, और नीचे के जो सीड है उसका हम सोइंग के लिए तैयार करते हैं। सोइंग करने के लिए यहां से देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सोइंग में ही, दो अलग अलग टूल्स, दो अलग सिस्टम तैयार किया गया है। एक है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल्स में हल में ही हम एक बांस का, यानी बैम्बू का पोर करके लगा दिया जाता है उसके नुकीले वाले पार्ट में एकदम नीचे, और हल जोतता जाता है। ऊपर से दो लोग
होते हैं, एक हल चलाने वाले होते हैं, हल साथ में पकड़ने वाले, और दूसरा उसमें सीड डालता रहता है, और थोड़ा थोड़ा सीड डालते डालते पूरे अपने फील्ड में सीड बो दिया जाता है। जो सेकंड है सीड ड्रिल, ये ऑटोमेटिक बना दिया गया है, ये मॉडर्न टेक्निक है, और इसके थ्रू एक बार में ही एक बॉक्स में बहुत सारा सीड डाल दिया जाता है, और उस सीड वो सीड बॉक्स से थोड़ा थोड़ा करके एक क्वांटिटी में थोड़े थोड़े हर एक अलग अलग प्लेस पे जहां भी बोया जाता है और उसमें से बो दिया जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं सीड ड्रिल के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए सीड बोने के समय ही बहुत सारे ऐसे प्लांट जो हमारे फसल है जिसमें उसी के साथ ही हमें मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर एक केमिकली है और एक बायोलॉजिकल है। केमिकली यानी जो हमारे साइंटिस्ट या फैक्ट्री वाले बनाते हैं वो फर्टिलाइजर्स होता है, जैसे डीएपी है और फास्फेट है, यूरिया है। और अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर एक ऐसा खाद है जो हमारे घर में ही तैयार होता है, हमारे गाय भैंस के डंग यानी गोबर से हम मैन्योर तैयार करते हैं। इसके अलावा मैन्योर के रूप में जैसे कुछ हमारे बहुत सारे अनवांटेड वीड्स ही ले लीजिए, अनवांटेड वीड्स में हम उसको उखाड़ करके यानी निकाल करके उसी को उसी में गाड़ देंगे, अगर अपने फील्ड में ही गाड़ देंगे तो वो एक मैन्योर बन जाएगा। तो ये हम अपनी फसल में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसको मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर फसल में मिनरल्स नहीं रहेगा तो फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो इसलिए हमें उसको उसके साथ सोइंग करते समय, बोने के समय मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिगेशन यानी सिंचाई। देखिए प्लांट्स जो भी हैं यानी फसल, उसको सिंचाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिंचाई से ही उस प्लांट्स को वाटर मिलता है और उससे वो अपना प्रोडक्शन आगे अपने ग्रो करता है। तो देखिए सिंचाई के लिए कुछ तो लोग, कुछ हमारे जो फार्मर्स हैं वो नेचर पे यानी प्रकृति पे निर्भर होते हैं, और कुछ लोग प्रकृति के साथ साथ अपना खुद का बहुत सारे कुछ ट्रेडिशनल या कुछ मॉडर्न टेक्निक से सिंचाई करते हैं। कुछ जैसे ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में अगर हम बात करें कुआं, नलकूप, तालाब, इन सब चीज़ों से सिंचाई की जाती है। अब अगर हम आगे बात करें कि जो मॉडर्न टेक्निक है, वो मॉडर्न टेक्निक में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम होता है। जो किसान ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं यानी मॉडर्न के साथ चलते हैं, वो स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसके थ्रू स्प्रिंग करके यानी वाटर को बौछार करके पानी अपने फसल में देते हैं, और एक ड्रिप सिस्टम भी इरिगेशन का अच्छा साधन है। अब अगर ट्रेडिशनल में हम देखें तो मोट, चैन पंप, ठेकली, रहट, ये कुछ हमारे सिस्टम है पुराने जो कि हम अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे, ये सब के सब हमारे पुराने लोग यूज करते थे। फिर आगे आते हैं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेड्स यानी वेड्स, जैसा कि पहले बताया, अनवांटेड प्लांट, ये नेचुरली या पहले से वहां होते हैं, अपने से ही ये उगाते हैं यानी ग्रो कर जाते हैं और हमारी फसल को ये नुकसान करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ मॉडर्न टेक्निक है जिसके थ्रू हम कुछ ऐसी मेडिसिंस यानी मेडिसिन नहीं वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं जिससे हमारे वो फसल में जो वीड्स है वो खत्म हो जाती है और फसल की अच्छी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई। कटाई करने के लिए एक टाइम आता है यानी जिस समय हमारी फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उस समय हम अपने फसल को काटते हैं। फसल को काटने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ टूल्स जैसे सिकेल यानी हसिया,
हसिया की कई तरह की वेराइटीज आती हैं, तो हसिया एक टूल्स, अच्छा टूल्स है जिसके थ्रू हम कटाई कर रहे हैं। इसके बाद कटाई करने के बाद उसमें जैसे अगर गेहूं का हम यानी व्हीट का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो व्हीट को कटाई करने के बाद थ्रेशिंग किया जाता है। थ्रेशर एक टूल्स है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम थ्रेशिंग करेंगे, उसमें भूसा अलग करेंगे, गेहूं अलग करेंगे। इसके बाद फिर उसको विनोइंग करेंगे यानी उसको उसाएंगे। कुछ उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि गेहूं को अच्छा नहीं बनाते, तो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम उसा करके यानी फैन के सामने रख के गेहूं वहीं नीचे गिर जाता है और उससे कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, वो निकल जाते हैं, भूसा जिसको बोलते हैं। और इसके बाद हमारा फ्रेश सीड तैयार हो जाता है जिसे हम अपने घर में अच्छी तरह रख सकते हैं। हमारे पास यानी हमारे किसानों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में अगर प्रोडक्शन होता है तो वो कुछ मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं यानी मार्केट में सेंड बेच देते हैं और कुछ स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बेच दिए वो उनके पास तो है नहीं, लेकिन जो स्टोरेज करना है वो उनको नेक्स्ट ईयर तक उसका यूज भी करना है खाने पीने के लिए, और इम्पोर्टेंट टाइम पे, इमरजेंसी टाइम पे उसको कुछ बेच करके पैसे की इनकम अलग से करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। तो स्टोरेज करने के लिए हम अपने, हमारे जो किसान हैं, अपने फसलों को ऐसे जगह रखेंगे जहां पर कोई भी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन ना हो। यानी किसी जब कमरे में अगर रखते हैं तो वहां पे कुछ नीम की पत्तियां डाल दे दें और वहां धूप से अच्छी तरह सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ये जरूरी होता है हमारे फसल को सुरक्षित रखने। इसी सीरीज में हमें ये भी जानना है कि हमारी फसल सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि हम एनिमल्स को भी फसल के रूप में तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ जिससे हम मिल्क प्राप्त करते हैं, भैंस भी है, बकरी है। बकरी तो हम मिल्क के साथ साथ उसके मांस का भी यूज करते हैं, बकरी यानी बकरा बकरी दोनों, और साथ ही मुर्गी है, मुर्गा है, मुर्गी से उसके हेन उसके अंडे को और मुर्गा को सीधे चिकन के रूप में यूज करते हैं। और इन सारे मेथड्स को यानी एनिमल्स का जो प्रोडक्शन होता है, एनिमल्स के किसी भी फूड आइटम का हम अपने लिए यूज करते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके, डायग्राम, चलिए कुछ डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ये प्लाऊ है, ये हो, और थर्ड नंबर पे ये कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ होता है। ये शोइंग करने का पुराना मेथड है, जैसे पहले लोग शोइंग करते थे, सीड को बोते थे, और ये नेक्स्ट जो कि सीड ड्रिल है, और सीड ड्रिल के थ्रू ऑटोमेटिक सीड की बुआई होती है। ये हम जानेंगे कि हमारे जो पुराने सिस्टम है यानी ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के, सिंचाई करने के, मोट है ये, नेक्स्ट ये चैन पंप, और ये ढेकली, और आगे आता है राहट, इसके थ्रू सिंचाई की जाती है। मॉडर्न सिस्टम जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है, और फिर नेक्स्ट जो है वो ड्रिप सिस्टम है, इसके थ्रू मॉडर्न सिंचाई की जाती है। किस तरह से वीड्स को हटाते हैं, ये स्प्रेइंग वेडिसाइड्स, वेडिसाइड्स एक जहर टाइप का है जो इस वीड्स को खत्म करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, कंबाइन, ये थ्रेशर टाइप का है, और इसमें थ्रेशरिंग और विनोइंग दोनों एक साथ होती है। और नेक्स्ट है विनोइंग मशीन, अलग से भी आती है। फिर हमारी फसलों का स्टोरेज और एक बड़े तौर पे किया जाता है, इसको भी अच्छे से डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। थैंक यू।